गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर हमने एक क्रैश कोर्स की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें आज हम रसायन विज्ञान के पी ब्लॉक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इसमें आज हम देखेंगे कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कैसे होता है। बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 14 में पूछा गया, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, चलिए हम समझाते हैं कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कैसे होता है। बच्चों, ये जो कक्ष आपको दिख रहा है ये कौन सा कक्ष होता है? ये परिवर्तक कक्ष है। ये किसका बना होता है? ये स्टील का बना होता है। और इसमें बच्चों, ये आप देख रहे हैं, इसमें प्लेटिनम की ये जाली लगी होती है। ये प्लेटिनम की जो जाली लगी होती है उसमें प्लेटिनम किसका काम करता है? बच्चों, प्लेटिनम उत्प्रेरक का काम करता है। तो बच्चों, जब हम इसमें अमोनिया और वायु नीचे से प्रवाहित करते हैं तो उसमें हम अमोनिया और ऑक्सीजन का जो अनुपात लेते हैं 1:10 के अनुपात में लेते हैं। और इसमें प्लेटिनम की, अभी हमने बताया, जाली लगी होती है। ये प्लेटिनम उत्प्रेरक की तरह काम करता है। और इस पे टेम्परेचर कितना रखा जाता है? इसका टेम्परेचर बहुत हाई रखते हैं, 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। ये आप देख रहे हैं टेम्परेचर इतना है। तो इसमें बनता है बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर। जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ये 95% जो अमोनिया होती है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। और उष्मा जो होती है वो रिलीज होती है। बच्चों, उष्मा रिलीज होती है तो हम कह सकते हैं ये कैसी अभिक्रिया है? ये एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें उष्मा जो है मुक्त हो रही है, इसलिए बच्चों ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनी बच्चों, इसको हम किस में भेजते हैं? ऑक्सीकारक कक्ष में भेजते हैं। इसको हम ऑक्सीकारक कक्ष में भेजते हैं। तो बच्चों, जब ये ऑक्सीकारक कक्ष से होते हुए आती है तो इसमें क्या लगा होता है? बच्चों, इसमें एक शीतलक लगा होता है। शीतलक लगा होता है, इस शीतलक का काम क्या होता है? ये जो गर्म नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको ठंडा करती है। ये जो शीतलक लगा होता है ये गर्म नाइट्रिक ऑक्साइड को ठंडा करती है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड ठंडी हो गई है, अब ये जो है कहाँ पहुंचेगी? ये ऑक्सीकारक कक्ष में पहुंचेगी। क्योंकि बच्चों इसका नाम ही है ऑक्सीकारक कक्ष, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रही है? बच्चों, आप ये देख रहे हैं, ये इससे रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से, ये इसकी सेकेंड स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप ये किसके? ये परिवर्तक कक्ष में होती है। परिवर्तक कक्ष में होती है सेकेंड स्टेप जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है बच्चों ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। ये किस जगह हो रही है ये प्रोसेस? ये ऑक्सीकारक कक्ष में हो रही है। अब इसके बाद क्या होता है? अब हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल गई है। अब हम इसको बच्चों भेजते हैं किसमें? अवशोषण कक्ष में। अब हम इसको भेजेंगे अवशोषण कक्ष में। तो बच्चों, जब हम इसको अवशोषण कक्ष में भेजते हैं तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब अवशोषण कक्ष में जाती है, आप देख रहे हैं ये अवशोषण कक्ष में जा रही है। और इस अवशोषण कक्ष में क्या है? ऊपर से जल गिर रहा है। तो ये जल क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है बच्चों? HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाता है और थोड़ी सी मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनाता है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना रहा है ये पुनः चक्रण के लिए वापस निकल जाता है। पुनः चक्रण के लिए वापस निकल जाता है, इसका पुनः चक्रण हो जाता है।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बच्चों वाटर से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना रहा है, और ये किसके साथ मिलके बना रहा है? वाटर के साथ ये मिक्स है। चूंकि हमें इसकी अधिक मात्रा प्राप्त करनी है, क्योंकि हम इसका उत्पादन बड़े लेवल पे कर रहे हैं, तो हम चौथे स्टेप में क्या करेंगे बच्चों? तो बच्चों जो ये नाइट्रिक अम्ल है इसमें क्या मिला है? इसमें पानी मिला है, इसमें पानी मिला है। इसका हम क्या करेंगे, कम दाब पर जब हम इसका आसवन करेंगे बच्चों, तो हमें जो नाइट्रिक अम्ल मिलेगा वो 68% सांद्रण का मिलेगा। अभी भी हम इसको ज्यादा मात्रा में नहीं बना पा रहे हैं, तब हम इसमें क्या भेजेंगे बच्चों, इसमें जो है कंसंट्रेट H2SO4 यूज करेंगे। ये क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये जो उसमें नाइट्रिक अम्ल में पानी है, ये पानी को क्या कर लेता है बच्चों, पानी को सोख लेता है। अब जो हमें नाइट्रिक अम्ल मिलेगा बच्चों, 98% उसमें नाइट्रिक अम्ल रहेगा और 2% उसमें वाटर रहेगा। तो इस तरीके से कंसंट्रेट H2SO4 यूज करके हम अधिक मात्रा में नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, एक बार फिर डिटेल में बता देते हैं। इसमें हम अमोनिया और ऑक्सीजन को परिवर्तक कक्ष में भेजते हैं। यह परिवर्तक कक्ष स्टील का बना होता है और इसमें प्लेटिनम की जाली लगी होती है। यह प्लेटिनम उत्प्रेरक का काम करता है, और इस कक्ष का टेम्परेचर बहुत हाई रखते हैं, 700 से 800 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। तो ये प्लेटिनम उत्प्रेरक की प्रेजेंस में जो अमोनिया होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, वाटर बनाती है, और उष्मा रिलीज होती है, इसलिए इसको हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद ये जो गर्म नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको शीतलक कक्ष में भेजते हैं, जिससे ये ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद बच्चों इसको कहाँ भेजते हैं, ऑक्सीकारक स्तंभ में भेजते हैं। इस ऑक्सीकारक स्तंभ में नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम अवशोषण कक्ष में भेजते हैं। इस अवशोषण कक्ष में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पहुंचती है और ऊपर से इसमें बच्चों जल गिरता रहता है, तो ये जल से अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाती है और थोड़ी सी मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनाती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः चक्रण करने के लिए वापस निकल जाता है। चूंकि बच्चों ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके नाइट्रिक अम्ल बना रहा है, इसमें जो है पानी की मात्रा बहुत अधिक है। अब हमको अधिक मात्रा में उत्पादन करना है नाइट्रिक अम्ल का, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम पहले कम दाब पर आसवन करेंगे। लेकिन जब हम कम दाब पर आसवन करते हैं तब भी हम इसकी कितनी मात्रा प्राप्त होती है, 68%, और हमें चाहिए इसकी ज्यादा मात्रा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सांद्र H2SO4 मिलाएंगे। ये बच्चों जो सांद्र H2SO4 होता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये पानी को सोख लेता है। इस तरीके से हमें 98% HNO3 और 2% जो होता है वाटर मिल जाता है। इस तरीके से हम ओस्टवाल्ड विधि द्वारा बच्चों नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कर लेते हैं। तो बच्चों अमोनिया गैस किससे, वायु से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, अभी हमने बताया। फिर ये ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, फिर ये जल से अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। तो बच्चों इसमें होता क्या है, अमोनिया जो होती है वो ऑक्सीजन से 1:10 के अनुपात में अभिक्रिया करती है। प्लेटिनम उत्प्रेरक की प्रेजेंस में 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, वाटर प्लस उष्मा रिलीज होती है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः चक्रण के लिए वापस चली जाती है। तो बच्चों अभी हमने इसको डिटेल में बताया है। तो जो शुद्ध अमोनिया और वायु का जो मिश्रण लेते हैं हम, इसको कितना लेते हैं, 1:10 के अनुपात में लेते हैं। फिर इसको प्लेटिनम की जाली 650 डिग्री सेल्सियस
800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म रखी जाती है। यह उत्प्रेरक की तरह काम करती है। यहाँ अमोनिया का 90% भाग जो होता है वो ऑक्सीकृत होके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। अब ये गैसों का मिश्रण ऑक्सीकारक स्तंभ में पहुंचता है, जहां नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है। फिर ये जल में अवशोषित होके नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अब जो ये नाइट्रिक अम्ल बनता है, ये तनु होता है, तो इसका आसवन करते एक निश्चित क्वथनांक पर तो एक मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे साधारण सांद्र नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। बच्चों, ये रिएक्शन भी पूछी जाती है कि तनु नाइट्रिक अम्ल लेड से अभिक्रिया करके क्या देता है, तो इसके फलस्वरूप लेड नाइट्रेट एनओ और जल बनता है। हम इसके रिएक्शन देख लेते हैं। लेड किससे अभिक्रिया कर रहा है? नाइट्रिक अम्ल से, जो तनु है, तो हम इसको क्या कहते हैं? डाइल्यूट। तो ये क्या बनाता है? लेड नाइट्रेट ये बन रहा है क्या बच्चों? ये बन रहा है लेड नाइट्रेट नाइट्रेट और क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्साइड और क्या बनाता है? और वाटर बनाता है। इसी तरीके से फास्फोरस की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ जब होती है, तो फास्फोरस फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो बच्चों, फास्फोरस जब नाइट्रिक अम्ल के साथ, सांद्र का मतलब कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनता है? फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होती है। तो इस तरीके से बच्चों, आप लोगों ने देखा ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कैसे होता है। तो बच्चों, यदि आपको इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट हो, तो आप उसको हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। धन्यवाद।